हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए तीन स्टॉक्स लेके आया हूँ और निफ्टी के बारे में यानी टोटल चार के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। तो आप कल कल यानी कि 13 जुलाई 2022 को अगर वो लेवल के ऊपर या नीचे के साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं तो उसमें अच्छी रैली दिखा सकते हैं। तो गाइज, कल के स्टॉक्स के बारे में अपने परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो कल मैंने गाइज आपको 5 स्टॉक दिए थे, उसमें 3 बाइंग साइड पे थे। अगर आपको लेवल चाहिए तो कल का वीडियो देख सकते हो, अभी मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। पहला स्टॉक था सुमी कैम। सुमी कैम में क्या हुआ था, 505 के ऊपर स्टॉक गया था, 511 का हाई भी मारा था, 511-12 का, उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया था और उसमें अपना स्टॉप लॉस हो गया था। फिर दूसरा स्टॉक था टारसन्स, उसमें भी अपना स्टॉक ने अच्छी रैली दिखाई थी, 819 के ऊपर बाय था और स्टॉक ने आप आज का हाई देखोगे तो 837 का हाई मारा था, तो वो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद एक ओरिएंट बेल था, उसने आपको बोला ही था कल गाइस कि ओपन प्राइस पे जो भी प्राइस पे ओपन होता है वहां पे तुरंत बाय करना था। स्टॉक ओपन हुआ 722 पे और स्टॉक ने 790 का हाई मारा और स्टॉक आज टॉप गेनर में था, 7 से 8% ऊपर चला गया था। तो वो अच्छे अच्छे स्टॉक में वो ओरिएंट बेल था। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल में सेलिंग साइड था लेकिन उसमें अपना स्टॉप लॉस हो गया था। और उसके बाद अमारा राजा बैटरी था, वो सेलिंग साइड पे ओपन प्राइस पे सेल करना था, 472 से स्टॉक 462 या 463 के नीचे आया था, यानी कि दो में अपना स्टॉप लॉस हो गया, तीन स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो ये हो गई कल की एनालिसिस। अगर आपको पूरा एनालिसिस देखना है लेवल बेवल तो कल का वीडियो देख सकते हो। और जो लोग गाइस टेलीग्राम पे है तो ज्वाइन कर सकते हो, उनको मतलब चालू मार्केट में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं लाइव ट्रेड भी देता रहता हूँ, जैसे आज मोंटी कार्लो दिया था उसमें स्टॉप लॉस भी हो गया, तो वो अपडेट भी कर दिया कि मोंटी कार्लो में स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो गया। तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, लाइव मार्केट में ट्रेड भी मिलते रहेंगे और उसके अलावा चार्ट एनालिसिस भी अगर आपको सीखना है तो वो आपको पता चल जाएगा। इसमें मैं अच्छे अच्छे चार्ट शेयर करता रहता हूँ, तो जितने आप चार्ट देखोगे तो आपको क्लियर कट दिमाग में समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसा चार्ट बनता है तो आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी अपने चलेंगे, पहले निफ्टी का व्यू देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको तीन स्टॉक्स बताऊंगा। तो पहले निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। तो आपको पता ही होगा संडे को अपने स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक वीडियो बनाया था, स्विंग ट्रेडिंग का संडे को, उसमें मैंने निफ्टी का लेवल आपको दिया था, वही लेवल अभी भी इंटेक्ट रहेगा, यानी कि निफ्टी को बाइंग रेंज कौन सी रहेगी, 16,000-15,950 के बीच में बाइंग रेंज रहेगी। तो आपको पता होगा संडे को भी सेम लेवल दिया था और तब भी मैंने आपको वही बोला था, एडीएक्स के हिसाब से मैंने बताया था। एडीएक्स की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी है, यहाँ पे 15 है, यानी कि एडीएक्स नीचे जा रही है, यानी कि क्या हो सकता है, निफ्टी में डेली चार्ट मैंने ओपन करके रखा है तो निफ्टी में हो क्या सकता है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डेली चार्ट ओपन करके रखा है और निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस है तो आप ध्यान में रख सकते हो, अगर आप लॉट में करते हो फ्यूचर्स में तो उसका प्राइस अलग हो सकता है। तो यहाँ से अपना देखो ट्रेंड लाइन आ रही थी, निफ्टी ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे गया रिजेक्शन लिया, फिर से यहाँ पे गया और यहाँ पे रिजेक्शन लेके फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया, यानी कि कंफर्मेशन हो गया कि सेल ऑन राइज वाला मार्केट अभी क्या हो गया, बाय ऑन डिप हो गया या तो साइडवेज होगा। तो आप संडे का वीडियो देखोगे वहां पे भी मैंने बोला ही था कि निफ्टी अभी आने वाले वीक में साइडवेज रह सकती है। साइडवेज इन दिस मीन्स के आप देखोगे तो ये रेंज में जब भी निफ्टी आएगी 16,000-15,950, अभी सीएमपी क्लोजिंग का पे दिया 16,058 पे दिया, तो आपको कल क्या करना है, निफ्टी को बाय करना है, अगर ये रेंज में आती है तो आपको ये बाय करना है, क्योंकि आप देखोगे तो ऊपर से तो निफ्टी ने क्या कहा ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि निफ्टी ऊपर की साइड जा सकती है। और नीचे से ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ है, ट्रेंड लाइन आप देखोगे नीचे से भी ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अप ट्रेंड में भी जा सकता है। तो निफ्टी कल थोड़ी भी गिरती है समझो ऐसे 50-100 पॉइंट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से फिर से वो जैसे कि साइडवेज में क्या होता है, एक दो दिन गिरता है तो एक दो दिन ऊपर भी जाता है, तो साइडवेज में आपको यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलके फिर से बाउंस बैक कर सकती है निफ्टी और 16,200-16,250 तक फिर से ऊपर की साइड जा सकती है। तो आपको कल करना क्या है, निफ्टी का ये लेवल पे बाय करना है, 15,900 का टाइट स्टॉप लॉस लगा के रखना है और 16,200 का वेट करना है, आराम से 1 से 3 दिन में फिर से निफ्टी 16,200 का लेवल दिखा सकती है, तो साइडवेज रह सकती है, यहाँ से गिर के ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकती है। तो ये हो गया अपना निफ्टी का व्यू, क्योंकि अपने को एडीएक्स पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो एडीएक्स ऐसा बता रहा है कि आने वाले दिनों में अभी निफ्टी साइडवेज रह सकती है, यानी कि यहाँ से ऊपर थोड़ी जाएगी नीचे जाएगी, यानी कि ये लेवल के आसपास ही टाइम पास करेगी। तो हो गया निफ्टी का व्यू, तो आपको ये रेंज पता है उसके अंदर आपको बाय करना है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो आपको अवॉइड भी करना पड़ेगा क्योंकि फिर अपना स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा। अगर ये रेंज में कल आती है समझो नीचे गिरती है तभी आप बाय कर सकते हो।
तो अभी मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा, उसमें पहला स्टॉक का नाम रहेगा केकेसीएल। केकेसीएल को आपको बाय करना है। बाय करने का रीजन आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है आप पढ़ सकते हो। डेली मोमेंटम स्टॉक, डेली मोमेंटम स्टॉक यानी कि डेली चार्ट के ऊपर मोमेंटम स्टॉक। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि जब भी मोमेंटम स्टॉक के नाम आएगा तो मोमेंटम में अपने चार इंडिकेटर यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेटअप बना के रखा है, वो मैं ओपन करके बता देता हूँ। तो देखो, चार इंडिकेटर आपको देखना है और चार इंडिकेटर के भरोसे अपने को पता चल जाएगा कि ये स्टॉक मोमेंटम में रह सकता है कि नहीं रह सकता। तो जब भी डेली चार्ट के ऊपर ये प्राइस एक्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है बाद में। पहले अपने मोमेंटम स्टॉक से अपने स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाके एंट्री लेंगे। तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे मोमेंटम स्टॉक का, तो एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 25 के ऊपर है। दूसरा इंडिकेटर कौन सा है, विलियम सर, उसकी वैल्यू -20 के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो -20 के ऊपर है। तीसरा इंडिकेटर है ऑसम इंडिकेटर, जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए ग्रीन बार में, वो भी इंडिकेटर साथ दे रहा है। चौथा इंडिकेटर चौपिनेस इंडिकेटर, 40 के नीचे होना चाहिए, वो भी इंडिकेटर साथ दे रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो चार इंडिकेटर साथ दे रहे हैं डेली चार्ट में अपने को, तो पता चल गया कि ये स्टॉक आने वाले 1 से 10 दिन में मोमेंटम में रह सकता है। तो अभी आपको पता चल गया कि केकेसीएल स्टॉक का नाम यहाँ पे देख सकते हो, फिर से केकेसीएल स्टॉक का नाम रहेगा, ये स्टॉक आने वाले 1 से 10 दिन में मोमेंटम में रह सकता है। तो ये तो अपने को पता चल गया, लेकिन अपने को क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके कम रिस्क में स्टॉक को बाय करना है और मतलब बड़ी रैली का फायदा उठाना है। तो उसके लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो डेली चार्ट से अपने छोटे टाइम फ्रेम में नॉर्मली यूज करते हैं 1 घंटे या 2 घंटे में। तो अभी अपने चलेंगे डेली चार्ट से सीधा 1 घंटे में। तो 1 घंटे में जब आप जाओगे एंट्री के लिए, तो वहां पे कोई ना कोई सेटअप बनना हो चाहिए, कोई ना कोई सेटअप, यानी कि आपको पहले चार इंडिकेटर हटा देना है, इंडिकेटर को देखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको चार्ट ओपन करके रखना है और वहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखनी है। अगर कोई होती है आपका सेटअप में आता है, जैसे कि रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट सेटअप आता है या तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आता है, वो आपको देखना है। अगर आता है तो वो सही सेटअप है और वहां पे आप एंट्री ले सकते हो। तो छोटे टाइम फ्रेम में अपने 1 घंटे में आ गए, तो अभी 1 घंटे ओपन करके रखा, तो आप देखो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो ट्रेंड लाइन का उसको सपोर्ट मिल रहा था। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट लिया और यहाँ पे अभी सपोर्ट ले रहा है, यानी कि आप इसको मान सकते हो कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास से स्टॉक रिवर्स मार सकता है यहाँ से। तो अभी एंट्री लेनी है अपने को छोटे टाइम फ्रेम में, तो कैसे ले सकते हैं, तो अपने मान सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और कल यहाँ से ऐसे ऊपर जा सकता है, और जो ऊपर का एरिया था उसका वो ब्रेक करेगा, तो आप इसको बाय कर सकते हो। लेकिन कंडीशनल बाइंग रहेगी, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास ही उसने क्लोज दिया। अगर कल स्टॉक के सपोर्ट के नीचे पहले ट्रेड करता है तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो केकेसीएल को सीएमपी कितना, 311.55 पे आपको बाय नहीं करना, 316 का लेवल जब भी कल क्रॉस करता है पहले, तभी आपको बाय करना। 309.8 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, 323 और 330 का टारगेट आ सकता है, वो भी 1 से 3 दिन में। लेकिन आपको वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर देखो बाइंग लेवल और क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेवल और क्लोजिंग प्राइस नजदीक है, यानी कि 311.55 है और 309.80 आपका स्टॉप लॉस लेवल है। अगर कल स्टॉक नीचे ही खुलता है ऐसे 309.80 के नीचे पहले ट्रेड करता है, तो वो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। वैलिड सेटअप के लिए वो पहले 316 का लेवल क्रॉस करेगा, तभी स्टॉक में ऊपर की साइड अच्छी रैली दिखा सकता है। आज आपने देखा होगा कि ओरिएंट बेल में कल आपको मैंने बोला था कि जो भी प्राइस पे निफ्टी या कुछ भी ओपन होता है आपको तुरंत बाय करना है और स्टॉक में अच्छी रैली दिखा सकता है, 1 से 10 दिन बोला था। लेकिन आज के दिन ही स्टॉक ने 790 का हाई मारा था, अभी करीब 750 के आसपास क्लोज दिया है, लेकिन उसमें अभी भी बाइंग साइड है, तो अगर उसमें भी टारगेट तो आराम से अचीव हो जाएगा 800 का। तो पहला स्टॉक हो गया अपना केकेसीएल। अभी आपको मैं दूसरा स्टॉक बताऊंगा, मोंटी कार्लो। मोंटी कार्लो आज मैंने टेलीग्राम पे दिया था, लेकिन लेवल की गड़बड़ की वजह से स्टॉप लॉस हो गया था, लेकिन ये भी स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है, तो आपको इसको फिर से अभी बाय करने का ट्राई करना है। कौन से सेटअप के हिसाब से बाय करेंगे, प्योर प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है कि पहले ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होना चाहिए, तो देखो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और अभी एग्जिट क्लोजिंग देखो तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास हुआ है। 1 घंटे की कैंडल के ऊपर अपने प्राइस एक्शन देख रहे हैं। स्टॉक का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, मोंटी कार्लो। तो अभी स्टॉक को बाय करना है, तो देखो पहले उसको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। आप दूसरा देखोगे तो स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, यानी कि उसका रिजेक्शन एरिया हो गया। ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर से यहाँ पे कहाँ पे आया, उसका पहले जो रिजेक्शन एरिया था वो स्टॉक का क्या हो गया, डिमांड जोन हो गया। तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है, डिमांड जोन भी मिल रहा है, तो दूसरा रीजन। और तीसरा मेन रीजन देखोगे तो आप अपने इस पे भरोसा करते हैं, बायोन डिप सेटअप पे। बायोन डिप क्या होता है, एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर होती है, विलियम सर की वैल्यू जब भी -80 के आसपास होती है तो वो स्टॉक का लास्ट स्विंग होता है। स्टॉक वहां से स्विंग लेके ऊपर जाने के बहुत हाई चांस होते हैं, तो इस स्टॉक को गिरने के बहुत कम चांस है। अगर ये लेवल ऊपर का ब्रेक करता है कल,
ऊपर से जैसे ट्रायंगल जैसा बना रहा है, अगर वो ब्रेक करके कल ऊपर पहले जाता है तो स्टॉक में ऊपर की साइड अच्छी रैली दिखा सकता है, और ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो मोंटी कार्लो को अभी सीएमपी कितना है, 771 यानी कि 771 के करीब है, बाय अबो कब करना है, 783 के ऊपर है। आज मैंने बोला था 782 के ऊपर बाय करना था टेलीग्राम पे, और स्टॉक ने हाई एग्जिट मारा था 782.20 का, वहां से ही रिवर्स मारा, अपने 20 पैसे से गलत साबित हो गया, अदरवाइज अपना लेवल सही था लेकिन 20 पैसे से अपने रह गए, नहीं तो अपना कॉल एक्टिव ही नहीं होता, लेकिन 20 पैसे की वजह से कॉल एक्टिव हो गया और स्टॉक नीचे आ गया। तो आपको फिर से अभी बाय करने का ट्राई करना है, लेकिन अभी लेवल रहेगा अपना 783 का, क्योंकि वहां से रिजेक्शन मार के स्टॉक नीचे आया है। 783 के ऊपर आपको बाय करना है, 767 का क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट अभी भी इसमें 800 और 850 के, वो भी 1 से 3 दिन में आ सकते हैं। स्टॉक का नाम रहेगा मोंटी कार्लो, लेकिन आपको कंडीशनल बाइंग रहेगी, 783 का लेवल पहले जाएगा तभी आप बाय कर सकते हो। तो ये अपना दूसरा स्टॉक हो गया मोंटी कार्लो। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम रहेगा टाटा केमिकल, जो सेलिंग साइड पे रहेगा। आज तक अभी तक मैंने आपको दो स्टॉक बताए वो बाइंग साइड पे है, और निफ्टी का व्यू भी बाइंग साइड पे बा, लेकिन टाटा केमिकल एक ऐसा स्टॉक रहेगा जो आपको क्या करना है, सीएमपी पे तो सेल नहीं करना, कंडीशनल सेलिंग रहेगी, तो टाटा केमिकल को सेल करना है, लेकिन उसके पीछे का रीजन देख लेते हैं। तो ये भी प्राइस एक्शन स्टडी के हिसाब से रहेगा। तो आप यहाँ पे चार्ट ओपन करके देखोगे तो स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर गया, सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ नीचे रेड कैंडल बनाई, लेकिन फिर से 2 दिन में फिर से स्टॉक ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, यानी कि एरिया पे क्या कर रहा था, मल्टीपल सपोर्ट ले रहा था। फाइनली एक दिन ऐसा है कि वो सपोर्ट ब्रेक होके नीचे स्टॉक चला गया। तो आपने सुना ही होगा जब भी सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो स्टॉक का रिजेक्शन एरिया हो जाता है, तो स्टॉक नीचे गया फिर से ऊपर गया, लेकिन अभी ये उसका क्या हो गया, रिजेक्शन एरिया हो गया उसका, यहाँ पे पहले सपोर्ट एरिया हुआ करता था, तो रिजेक्शन एरिया हो गया, अभी फिर से स्टॉक नीचे आया, फिर से अभी स्टॉक फिर से ये एरिया में ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक यहाँ से ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, लेकिन नीचे जाने के बहुत ज्यादा चांस है, उसके पीछे का एक्स्ट्रा रीजन ये वाला है। जैसे अपने प्रीवियस में बाय ऑन डिप किया, इसमें सेल ऑन राइज करेंगे, एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन रेड कलर ऊपर है यानी कि सेलिंग साइड में मोमेंटम स्टॉक है, और विलियम्स आर की वैल्यू देखोगे तो -20 आई है। बाय ऑन डिप में क्या होता है, -80 ऐसे नीचे से ऊपर जाती है, सेल ऑन राइज में ऊपर से नीचे आती है, तो ये मैक्सिमम स्टॉक यहाँ तक ही जा सकता है, स्टॉक यहाँ से नीचे गिरने के बहुत हाई चांस है। आप ध्यान से देखोगे तो 3 दिन से स्टॉक यही साइडवेज जैसा ही मूवमेंट दे रहा है, ऊपर भी ज्यादा जा नहीं रहा, नीचे भी आ रहा है। तो अगर ये स्टॉक कल समझो कि ये जो बड़ी सी रेड कैंडल बनाई है, सॉरी ग्रीन कैंडल बनाई है, आज उसमें अंदर ही ट्रेड किया यानी कि इनसाइड बार किया है, यानी कि ये ग्रीन कैंडल का जो लो है उसके नीचे अगर कल स्टॉक ट्रेड करता है तो उसमें फिर से ना रेड कैंडल बन के नीचे की साइड स्टॉक आ सकता है, और नीचे से भी देखोगे तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 2 बार, तो कल अगर ऐसे रेड कैंडल बनाएगी तो वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करके स्टॉक नीचे गिरने के बहुत हाई चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको टाटा केमिकल को करना क्या, अभी सीएमपी देखोगे तो 835 है, सेल बिलो 828, कल स्टॉक 828 के नीचे जाता है तभी सेल करना है, 848 का स्टॉप लॉस लगाना है, नीचे की साइड टारगेट लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि ऊपर तो अपने को पता है कि ब्लू स्काई टेरिटरी होता है, यानी कि स्टॉक आराम से 20-30% भी ऊपर जा सकता है, लेकिन नीचे की साइड ऐसा नहीं होता, नीचे की साइड लिमिटेड जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलते ही रहते हैं। तो 810 और 800 का टारगेट लगा के रख सकते हो, टाइम पीरियड 1 से 3 दिन में 800 का लेवल आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कंडीशनल सेलिंग करना पड़ेगा। अगर कल 828 का लेवल ब्रेक करेगा तभी नीचे की साइड गिरावट आएगी, नहीं तो अदरवाइज स्टॉक को आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन कॉल एक्टिव के लिए पहले 828 का लेवल आना चाहिए। अगर समझो कि 848 के ऊपर पहले ट्रेड करता है तो वो अपना इनवैलिड सेटअप में काउंट हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपको 4 स्टॉक बताया, 3 स्टॉक बताए और निफ्टी का व्यू बताया। निफ्टी आपको बाय ऑन डिप करना है, ये लेवल के अंदर आएगी तब आपको बाय करना है, 15,900 का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला स्टॉक का नाम रहेगा KKCL, आपको क्या करना है, कंडीशनल बाइंग करना है, मोंटी कार्लो कंडीशनल बाइंग करना है, और टाटा केमिकल आपको कंडीशनल सेलिंग करना है। लेवल बताया वो लेवल आपको फॉलो करना रहेगा और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। आज आपने देखा होगा कि अपोलो हॉस्पिटल में आपने लेवल दिया था, वहां से स्टॉक ब्रेकआउट देके ऊपर भी चला गया और नीचे भी आ गया, लेकिन अपना स्टॉप लॉस हो गया, तो आपको वहां पे एग्जिट करना है और उसके बाद वो स्टॉक को देखने की जरूरत नहीं है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, और जो पहली बार आए गाइज तो अगर आपके पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहेगा गाइज, मैं कुछ ना कुछ शेयर करता ही रहता। थैंक यू वेरी मच गाइज, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।